आप देखना शुरू कर चुके हैं बीजापुर इन्फो। मैं आपके साथ जफर कलदगी। कोरोना कोविड-19 के चलते दुनिया भर के कई देशों में लॉकडाउन किया गया है। इसी तरह भारत में भी लॉकडाउन 4.0 18 मई से 31 मई तक विस्तृत हुआ है। इंडिया में लॉकडाउन को जारी हुए 2 महीने से भी अधिक का अरसा हो चुका है, जिसमें लॉकडाउन के पहले 3 चरणों में चुनिंदा अस्पताल, मेडिकल शॉप्स, पेट्रोल पंप्स, बैंक्स, आवश्यक सेवाओं के विभाग, खाने पीने की जरूरी वस्तुओं की चंद दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद रहा। ऐसी मुश्किल की घड़ी में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, म्युनिसिपल विभाग, जिला प्रशासन के अधिकारी, बैंक कर्मचारी, वॉलंटियर्स, कई अन्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना से इस जंग में दिन रात इस अंधे के दुश्मन से लड़ाई में जुटे हैं। इसी तरह इस वैश्विक युद्ध में मीडिया का भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया ही क्यों ना हो। ऐतिहासिक बीजापुर का ऐसा ही एक अखबार है जो पिछले 6 सालों से बड़ी ही मेहनत और लगन से प्रिंट मीडिया के फील्ड में अपना काम अंजाम दे रहा है, जिसका नाम गुम्मट नगरी है। आज के सोशल मीडिया के इस दौर में जहां फेक न्यूज़ और रूमर्स चंद मिनटों में ही वायरल हो जाते हैं या फिर आधी अधूरी ही जानकारी लोगों तक पहुंच पाती है, ऐसे में ये कन्नड़ डेली न्यूज़पेपर लॉकडाउन में भी बिना थके बिना रुके निरंतर रोजाना अपने में संपूर्ण और सच खबरों के साथ प्रिंट होकर पब्लिश हो रहा है और लोगों के घरों तक प्रसारित भी हो रहा है, जिसकी सराहना जिले के कई नामचीन समाजसेवक, राजनेता, अधिकारियों से लेकर आम जनता तक कर रही है। संपादक इरफान शेख के नेतृत्व में चल रहे इस अखबार से कई लोग जुड़े हैं, जैसे न्यूज़पेपर डिजाइनर, प्रिंटिंग टेक्नीशियंस, ऑफिस स्टाफ, हेल्पर्स और राज्य भर के कई जिलों से पत्रकार और न्यूज़पेपर सर्कुलेटर्स जो लोगों तक ये अखबार पहुंचाते हैं। इन सभी की पिछले 6 सालों की कड़ी मेहनत के चलते ये अखबार आज राज्य के 10 से अधिक जिलों तक पहुंच रहा है और अब तो इस अखबार का खुद का प्रिंटिंग प्रेस भी है। इस आपदा की घड़ी में जितने भी लोग सेवा में लगे हैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को बीजापुर इन्फो का सलाम। हम ऐसे ही कई और कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए बीजापुर इन्फो से और देखिए कोरोना वॉरियर्स का पहला एपिसोड। नमस्ते, मैं गुम्मट नगरी न्यूज़पेपर का एडिटर इन चीफ इरफान शेख। आज तकरीबन 6 सालों से गुम्मट नगरी न्यूज़पेपर आप लोगों के बीच सही खबरें और लोगों की तकलीफों को उजागर करते हुए उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए काम कर रहा है। बीजापुर की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज़ सबसे पहले गुम्मट नगरी न्यूज़पेपर कवर करने की कोशिश करता है। ये आप तमाम लोगों की दुआ है कि आज गुम्मट नगरी डेली न्यूज़पेपर को बीजापुर के अलावा उत्तर कर्नाटक के 11 ज़िलों में पढ़ा जाता है। बीजापुर का पहला मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़पेपर का गुम्मट नगरी का है और वेबसाइट जो जिस दिन पेपर का इफ्तिताह हुआ था, उद्घाटन, उसी दिन वेबसाइट का भी ई पेपर का उद्घाटन हुआ था। तो ये तमाम जो भी चीज़ें हैं इसके लिए मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, अकेले के इसमें कोशिश नहीं है। हमारे जो
न्यूज़पेपर को बनाने वाला जो समीउल्ला उस्ताद है और न्यूज़ों को कलेक्ट करके पूरे ज़िले से, चाहे वो चंद्रकांत माऊर हो, सद्दाम जमादार हो, सुनील अंबिगेर हो, या हमारे मुत्तू हो और लाडले मशाक हो, इलियास पटेल हो, गुलबर्गा के जगदेव कुंभार और बागलकोट के हमारे कुतुबुद्दीन काजी साहब हो, इन तमाम लोगों की कोशिशों के बाद गुम्मट नगरी आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि लोकल में और उत्तर कर्नाटक की हर न्यूज़ को कवर करते हुए एक जाना माना पेपर बन चुका है न्यूज़पेपर, और लोगों की आवाज़ बन चुका है, ऑफिसर तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का ज़रिया बन चुका है। अल्लाह से दुआ है कि लोगों की खिदमत के लिए गुम्मट नगरी न्यूज़पेपर चलता रहे, और हमारे खासकर जो बीजापुर मिरर, हमारा एक बीजापुर का इंग्लिश और उर्दू बायलिंगुअल न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर जनाब मोहम्मद जाफर कलादगी बहुत बीजापुर के लिए और गुम्मट नगरी के लिए बहुत अच्छे सलाहकार है और वेल विशर है, उन्हीं के उनके जो भी गाइडलाइंस होते हैं उन पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमल करते हैं। ये आज और एक मज़ीद आपको ये खुशखबरी न्यूज़पेपर के लिए आपको, आप तमाम लोगों में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इस छठे साल में जब हम लोग आए तो इससे पहले हमारा न्यूज़पेपर सोलापुर में प्रिंट होता था, तो उसको सोलापुर से स्टॉप करके बीजापुर में, बीजापुर सिटी में हम लोगों ने एक न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन डाली, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वेब मशीन है, पहली नैनो टेक्नोलॉजी वाली वेब मशीन है जो बीजापुर में है, और खुद की प्रिंटिंग प्रेस में एक घंटे में आपको 16,000 प्रिंट कैपेसिटी वाली मशीन एक कोई प्रादेशिक न्यूज़पेपर, पहली बार बीजापुर में मशीन भी आई है। और इस लॉकडाउन के दौरान कई न्यूज़पेपरों ने अपने पेज कम किए, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट की कमी की वजह से हर न्यूज़पेपर इस कोरोना की मार झेल रहा है, तो हमारा आपका गुम्मट नगरी न्यूज़पेपर बिना रुके बिना झुके इस कोरोना के जंग में, कोरोना महामारी की जंग में लोगों तक खबरें पहुंचाने का सही और जो जिला आड़ित और लोगों के बीच में सही कॉम्बिनेशन बनाने के मकसद में कामयाब हुआ है। मैं ज़्यादा उर्दू में उच्चार सही नहीं आता है, तो इसलिए मैं कन्नड़ में दो बातें कहना चाहूँगा। इवत्तु नानु गुम्मट नगरीय प्रधान संपादक इरफान शेख तम्म मुंदे ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಾಗ ಹಲವು ಏಳು ಬೀಳು ಕಂಡಿತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಈ ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದೊರಕಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಡಿಸೈನರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಾರರು ಅವರ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು
ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ಥರದ ಮಾತಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಗುಮ್ಮಟನಗರಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ, ಜನಮನದ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಈಗ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ನಮ್ಮ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪೇಪರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು, ಜೊತೆಗೆ PDF ಕಾಪಿ ಜನರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಜನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುಗರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರಾದ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರು ಶಿಂದಿಗೆಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಾವೂರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಳೆಮಶಾಕ್ ಆಗಲಿ, ಸುನೀಲ್ ಅಂಬಿಗೇರ್ ಆಗಲಿ, ಮುತ್ತು ಆಗಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಲಾಳೆಮಶಾಕ್ ನದಾಫ್ ಆಗಲಿ, ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಂತಹ ನೇಮಕಗೊಂಡಂತಹ ವರದಿಗಾರರು, ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರು, 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವರದಿಗಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ವರದಿಗಾರರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಂತ ಮುದ್ರಣಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್, ಅದು ಕೂಡ ವೆಬ್ ಮಷಿನ್, 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16,000 ಮುದ್ರಣವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ, ವೆಬ್ ಪೇಪರ್, ಇ ಪೇಪರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪುಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಓದುಗರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓದುಗರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳು, ನಾವು ತಪ್ಪಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು, ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ನಾವು ಆ ಕೂಡಲೇ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮರು ಕ್ಷಣವೇ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತಪ್ಪು ಆಗಲಾರದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫರವರು, ಈ ಕಳೆದ 2-3-4 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಂತಹ ಕೈಲಾಸ ವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೇ ಬೆಳೀತದೆ, ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ.